हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारियां नूं। 11 तुहाडे लई लेके आए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिथे असीं नैप्स असीदारत पेपर की तैयारी किदां करांगे एमसीक्यू के थ्रू। देखो प्रॉब्लम की आती है, बच्चा पढ़ता है सारा सिलेबस रट्टा मारता है बट एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करता, वह सीधा जाके जंग के मैदान के उतर जाता है, फिर उत्थे पता लगता है क्वेश्चन की आ गया। वह प्रॉब्लम असीं एड्रैस करांगे, सारा का सारा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू ही कंप्लीट करांगे। सैशन तुहाडा किन्ने दिन का रहेगा? 90 दिन का। किदां काम करांगे कि सारा का सारा सिलेबस असी किदा कवर करना है एमसीक्यू, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनवायरमेंटल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, सारे दे सारे किदा होंगे एमसीक्यू के थ्रू। डेली तुहानू एक सैशन दिता जाएगा रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का, एक सैशन तुहाडा रहेगा करंट अफेयर का, पूरे साल का करंट अफेयर। और उन्होंने भी असं सैक्शन वाइज करांगे, अवार्ड्स करांगे, स्पोर्ट्स करांगे, पर्सन इन न्यूज करांगे, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल न्यूज, नेशनल स्कीम्स, सारे टॉपिक कवर करने की असं पूरी कोशिश करांगे। देन स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अच्छा हुण इस बार सिलेबस दे विच उन्होंने इनवायरमेंटल इशूज का टॉपिक पाया प्लस पॉलिटिकल इशूज का टॉपिक पाया। हुण बच्चे नूं पता ही नहीं सिलेबस है कि बच्चा इनवायरमेंटल इशू नूं ईवीएस की किताब पकड़ के समझ लैंदा है, बट क्वेश्चन वो नहीं हैगा। क्वेश्चन तुहानूं पूछा जाएगा कि मैंग्रूव अलायंस की हैगा, इहदा परपस की हैगा, फिर तुसीं पेपर च फस जांदे हो। यो जी प्रॉब्लम्स ने इन सारा का सारा असं टैकल करा थ्रू द एमसीक्यू सैशन। मोटिवेट भी रखेंगे, तुम गाइड भी करते रहेंगे कि पेपर च क्वेश्चन अटैम्प्ट कि करने हैं। एक बार नजर मार दे कि जो पिछला पेपर होया कि स्ट्रैटेजी एग्जामिनर ने लाए, कितने असं फेल होए, कितने असं गलतियां की, ठीक है। पहला पॉइंट देखने, पहला क्वेश्चन मैं जो चुकया है, एक क्वेश्चन है तुहाडा हिस्ट्री का। क्वेश्चन की पूछा गया है कि मोंटेग क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स ने एक किस टाइप के रिफॉर्म्स है, किदे नाल डील कर रहे हैं। एज अ जीके टीचर एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आसान है क्लास, जो तुम नॉर्मल और बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ी है तो भी क्वेश्चन अटेम्प्टेबल से, ठीक है। बच्चा कितने कंफ्यूज हो जाता है कि लीगल रिफॉर्म से या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, ज्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज होने मैंने पक्का पता है। बट बड़ा आसान जहा क्वेश्चन से क्लास, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म है, और पॉलिटिकल रिफॉर्म का सिंपल मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से लीगल है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, सेंस ही नहीं बनी है। इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म जो अंग्रेजों ने भारत में किए होंगे उन्होंने छड़न की लड़ नहीं, फिर इंडिया इंग्लैंड ही होंगे, तो आंसर की बनूगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। आसान क्वेश्चन से, अटैम्प्टेबल से, ठीक है। तो तुम नॉर्मली देखोगे कि किसी भी पेपर के अंदर जब टोटल 120 क्वेश्चन देखा, 30 से 40 क्वेश्चन हमेशा इदा के होंगे जो अटैम्प्टेबल होंगे, बट एग्जामिनर पेपर कुछ इस तरीके सैट करता है कि मेंटल ब्लॉकेज आती है। किदा जिदा कि यहोजा क्वेश्चन असं देखने, एक क्वेश्चन है मेंटल ब्लॉकेज। थानू चार स्टेटमेंट देती, तुसी इत्थे खज्जल होए, अगला क्वेश्चन उन्हें वन लाइनर पाता, तुसी वो भी छड़ता, तुसी उत्थे स्टूपिड मिस्टेक की, तो किदा टैकल करनी वो देखो। असं हम अटर्नी जनरल बारे सारा कुछ पढ़िया होंदा, उसकी कंसैप्चुअल नॉलेज चैक करने वास्ते किदा तरीका पता उन्हें किया। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट, द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ठीक है, राइट टू बी ऑडियंस का उसके पास अधिकार है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा, चलो क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं कि पता नहीं बच्चों को पता है या नहीं पता है, वी विल ट्राई इट आउट। फिर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डिलीवर अ स्पीच इन लोकसभा, बिल्कुल ठीक है, जिसके पास ऑडियंस का राइट है वो डिलीवरी स्पीच भी दे सकता है। लास्ट स्टेटमेंट, द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन कास्ट हिज वोट इन लोकसभा, और हर किताब च हमेशा लिखा होंदा है कि अटर्नी जनरल दे कोल लोकसभा दे अंदर वोटिंग राइट नहीं हैगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट कन्फर्म है कि गलत है, इत्थे ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन कित्थे कित्थे गिवन है, दोनों स्टेटमेंट निकल गई, खाली तीसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो गलत है, क्योंकि असी पहले ही कहता कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट हैगी है। आंसर तुहाडे कोल बड़े साफ सुथरे तौर पर निकलिया कि आंसर सिर्फ की बचिया वन। इहनू असी की कहिंदे एलीमिनेशन मैथड, कि असी इन्ना वड्डा क्वेश्चन देख के खज्जल हो गए, असी बेसिक क्वेश्चन दे नीड ते देखे नहीं कि एक वर्ड मनु आंसर सॉल्व करा रहे। तो एहो जी जिहड़ी प्रॉब्लम्स है असी इहनू एड्रैस करांगे, एहो जे क्वेश्चन असी पावांगे, ताकि तुहानू पता लगे कि जितना तुसी पढ़े के उहदे विच तुहाडी कंसैप्चुअल क्लैरिटी आई भी है कि नहीं आई, क्योंकि इहो जे क्वेश्चन पीसीएस और आईएएस लैवल दे हुंदे ने। तां आईएएस भी तुहाडी करदी की है, पीसीएस करदी की है, तुहाडी नॉलेज नू चैक करदी है कि तुसी सिर्फ दुध दी मतलब मलाई खा के आ गए हो कि खुरचिया दुध भी तुसी हाथ लाया नहीं लाया, ठीक है। तो एहो जे क्वेश्चन, एक अद्धा क्वेश्चन होर देखने हैं। देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एक क्वेश्चन इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर तो चुकया गया, ठीक है।
प्लस उन्हें क्वेश्चन चेक किया एज अ सोशल डेवलपमेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नीति आयोग तो क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट की कह रही है इट इज टू फंक्शन एज अ व्हीकल ऑफ गुड गवर्नेंस, तुसी अच्छी तरीके ना देश सरकार चलाना चाहते हो अच्छी काम करना चाहते हो इस करके बनाया बिल्कुल सही गल है। दूजा इनकलूसिव डेवलपमेंट ऑफ सेंटर स्टेट एंड ऑल लोकल बॉडीज, समाज के सारे वर्गों की तरक्की होए यही तो सरकार चाहती है ना एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही चाहती है बिल्कुल ठीक है। तीजा दिस बॉडी सबस्यूम द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बिल्कुल ठीक है, नीति आयोग ने किया ही है कि प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इकट्ठा किया तीजी स्टेटमेंट भी ठीक है। चौथी स्टेटमेंट तुसी देखोगे तीन विंग ने यहोजा कहीं किसी मैनशन नहीं आएगा कि तीन विंग चौथी स्टेटमेंट पढ़ने से गलत लग रही है। तीन ऑप्शन सीधा एलीमिनेट हो गए जिथे चार नंबर लिखा से फिर आंसर आसान हो गया कि वन टू और थ्री स्टेटमेंट करैक्ट है। तो थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजा जो तुम पढ़ लो तो क्वेश्चन तुहाडा की है अटैम्पटेबल हो जाता है ठीक है। होर देखने क्वेश्चन जो पेपर चाहे कि अप्रोच की हो सकती थी करंट अफेयर का सीधा साफ सुथरा क्वेश्चन उन्हें पूछ लिया जो तुम मैंटल ब्लॉकेज नहीं की तुम साफ पता कि ब्रह्मोस का टेस्ट 2022 च किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक ही हैगी है क्लियर सी कोई ये साम दाम दंड भेद लाने की कोई लोड़ ही नहीं सी ठीक है ना। अगे चलने देखो ज्योग्राफी का उन्हें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पासिस और लोकेशन कितने हैं ठीक है। हुण तुहाडी जनरल ऑब्जरवेशन काम आती है असि सारा दिन इंस्टाग्राम से फेसबुक से मत्था मारते रहने कोई ना कोई तीजा चौथा ब्लॉगर माना दे विच बैठ के चाह पीन की फोटो पाता कि इंडिया के आखिरी विलेज चाह मैं इंडिया का आखिरी ढाबा सारे ने आई होप देखा हो सबनों पता है कि माना उत्तराखंड च है जो लास्ट विलेज तुहाडा माना है जो चाइना के बॉर्डर टच करता है उत्तराखंड च है। बी का थ्री इको जगह दिता हो सॉरी बी का फोर तुम इको जगह दिता हो सीधा आंसर से जो तुम बाकी नहीं भी पता से तो समटाइम्स जो ऑब्जरवेशन होंगी ना क्लास वो भी हेल्प करती है पेपर अटैम्प्ट करने की। बाकी जो ध्यान देखो तो जैली प्लस साडा सिक्किम च है जो थोड़ा जा डिटेल पढ़िया होया दाफू तुहाडा अरुणाचल प्रदेश है दैपसा तुहाडा हिमाचल प्रदेश है तो आंसर कोई ज्यादा यहोजा टिपिकल नहीं कि तुम्हें पढ़ने से दिक्कत आती कई बार जनरल ऑब्जरवेशन भी हेल्प करती है पढ़ने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखने लोकल विंड्स का क्वेश्चन दिता गया अच्छा क्वेश्चन है क्लास ज्योग्राफी में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है आपके विंड और प्रेशर के टॉपिक से ठीक है। अच्छा हूं जो सपोज करो मैं बिल्कुल नहीं आता ठीक है मैं कोई आइडिया नहीं कि क्वेश्चन के विच की है थोड़ा जो नाम नाल आइडिया ला सकते हैं यामो जह नाम असं सुनते नहीं यामा यामो जापान का नहीं आइडिया लग रहा जो मैं तुक्का भी मारना होए है ना तो ए दा टू सानू कितने दिख रहा सिर्फ इको जगह दिख रहा है मिल गया सी आंसर जी सानू नहीं पता मैं गल कर रहा बट असी लोकल विंड्स भी सारी कराते हैं ठीक है तकरीबन लिस्ट है 36 से 37 लोकल विंड्स की जिहड़ी कितने कितने बहंदी है उन्हें सानू पता होना चाहिए जिस तरह नॉर्थवेस्ट न्यूजीलैंड है जोंडा तुहाडी अर्जेंटीना है बुरान तुहाडी साइबेरिया है तो कई बार क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करन दी एक अप्रोच होंदी है क्लास वो अप्रोच कई बार असी मिस करने हैं तो इन द 90s डे वी विल गोना कवर हाउ दिस अप्रोच हैज टू बिल्ड अगले जो 90 दिन है ना वो आपकी ग्रोथ के होंगे ग्रोथ किसकी आपके पेपर की कि आपके पेपर को अटैम्प्ट करवाना कैसे ठीक है। सो इदां दी अप्रोच नाल तुसी साडे नाल जुड़ो सो दैट वी कैन फॉर्म अ फैमिली वी कैन फॉर्म अ टीम और कोशिश करांगे कि ज्यादा से ज्यादातर बच्चे नैब तहसीलदार का पेपर क्लियर करन तो फटाफट फोन उठाओ इस नंबर पर कॉल करो जो भी तुहाडी इंक्वायरी जो भी तुहाडी क्वेरी उन्हें सॉल्व करो बहुत सस्ता है क्लास 499 रुपए के अंदर जो तुम डोमिनोज से दो पिज्जे खाने बह जाओ ना वो तो ज्यादा पैसे लग जाते हैं सोचो दो डोमिनोज के पिज्जे के अंदर नौकरी मिल गई इस तो सस्ता तो कुछ नहीं तो 499 का कोर्स है सिर्फ क्लास तुम ज्वाइन कीजिए 90 डेज हम एप्लीकेशन के ऊपर आपके साथ डेली जुड़ेंगे और आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर।